आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। विंध्य क्षेत्र में कोरोना संक्रमण ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। सिंगरौली जिले के कोरोना के एक साथ 5 मरीज शनिवार को पाए गए हैं। यह सभी मरीज NTPC विंध्याचल कॉलोनी के बताए गए हैं। संदिग्ध मरीजों के रूप में सुबह ही इनकी सैंपलिंग की गई थी, शाम को आई रिपोर्ट में सभी पॉजिटिव आए हैं। एक साथ कोरोना के 5 मरीज मिलने पर जिला प्रशासन व स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों के होश उड़ गए। जानकारी मिलने पर तत्काल हरकत में आए अधिकारियों ने सभी को विंध्य नगर कॉलोनी स्थित कोविड केयर सेंटर में भर्ती कराया। साथ ही स्वास्थ्य अधिकारी पॉजिटिव मिले मरीजों के संपर्क में आए लोगों की सूची तैयार करने में जुट गए हैं। हम आपको बता दें, कई माह से विंध्य क्षेत्र सहित आसपास के जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने का सिलसिला पूरी तरह से थम गया था, जो शनिवार को एक बार फिर सिंगरौली जिले में शुरू हो गया है। यहां की गई सैंपलिंग के दौरान आई जांच रिपोर्ट में 5 लोगों को कोरोना संक्रमित पाया गया है। यह सभी मरीज NTPC विंध्याचल कॉलोनी के बताए गए हैं, जिसके बाद कॉलोनी के अन्य रहवासियों के अंदर हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य महकमे ने 5 मरीजों को कोविड केयर सेंटर में भर्ती करा दिया गया है और उनसे जुड़े लोगों की हिस्ट्री खंगाली जा रही है।